साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों का सामना फाइनल में टीम इंडिया से हुआ। टीम इंडिया के बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा फंस गए। रोहित शर्मा जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज जल्दी आउट हो गए। ऋषभ पंत भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। कुछ देर खड़े रहने के बाद सूर्या ने भी विकेट अपना गंवा दिया। एक बार फिर से सबकी निगाहें विराट कोहली पर थी। विराट कोहली जब सेमीफाइनल में फ्लॉप हुए थे ना, तो दुनिया ने पूछा था रोहित शर्मा से, क्या विराट कोहली को फाइनल में ड्रॉप कर दोगे? तब वहां पर रोहित शर्मा ने कहा था, विराट बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच में काम आएगा। और रोहित की बात शायद ही सच होगी, किसी ने सोचा होगा, लेकिन विराट कोहली ने रोहित शर्मा की इस बात को बिल्कुल सही साबित कर दिया। कोहली अब तक पूरे टूर्नामेंट में भी 70 रन ही बना पाए थे, लेकिन फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने 76 रनों की लाजवाब पारी खेली, जब 3 विकेट गिर गए थे, यानी सूर्या, पंत और रोहित आउट हो चुके थे। यही 3 बल्लेबाज थे जो अब तक टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ रन बना रहे थे। इन सबके आउट होने के बाद विराट ने पारी का जिम्मा संभाला और ऐसे पारी को चलाया जैसे उन्हें जाना जाता है, यानी शुरुआती झटके के बाद विराट ने पूरी तरह से गेम में काबू पाया और कमाल की पारी खेली। आपको बता दें, विराट कोहली 59 गेंद पर 76 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले और कह सकते हैं कि ये पारी टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में बहुत काम आई। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित 9 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य के बल्ले से 3 रन निकले, वहीं ऋषभ पंत खाता नहीं खोल पाए, लेकिन शुभम दुबे, अक्षर पटेल ने भरपूर साथ दिया। इन तीनों के आउट होने के बाद अक्षर पटेल आए थे और अक्षर पटेल ने 31 गेंद पर 47 रन बनाए। वहीं शुभम दुबे के बल्ले से 16 गेंद पर 27 रन निकले। आखिर में आकर हार्दिक पांड्या ने 2 गेंद पर 5 रन और जडेजा 2 गेंद पर 2 रन बनाए और इसी के साथ टीम इंडिया 176 रन तक पहुंच गई है। अब टीम इंडिया की गेंदबाजों पर दुनिया की निगाहें। आपको क्या लगता है, कौन मारेगा बाजी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।